हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चैनल, द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट वन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ एक शानदार जबरदस्त नॉन वर्बल से रिलेटेड सेशन, जो की डेली बेसिस पर होने वाली क्लास के अंदर होता है, जो की हमारी पटवारी और राजस्थान पुलिस को डेडिकेटेड है। आप सभी लोगों का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आप लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो वही मेहनत वाईफाई स्टडी का हर एक टीचर आप लोगों के लिए कर रहा है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बिल्कुल संयम बरत के आराम से लॉकडाउन टाइम पीरियड का फायदा उठाना है, ना कि टाइम वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार सर अभी तो छुट्टियों का माहौल चल रहा है, तो हम लोग तो सर आराम से पढ़ेंगे, कुछ आता पता ही नहीं है। तो भाई लेकिन ऐसा मत करो, आप लोग अपने साथ आप ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है, अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बरत ली तो उसका खामियाजा आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है भविष्य में। तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे तरीके से, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। हम लोग शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से मोटिवेशनल थॉट के साथ में आज के दिन की। ठीक है गाइस, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो दोस्तों बहुत ही प्यारी सी लाइन थी आप सभी लोगों के लिए। ये संघर्ष का जो टाइम है ना, इसको हमें हल्के में यूज नहीं करना है, ठीक है ना। इसको बहुत कॉन्फिडेंशियली हमें चीजों को करते हुए चलना है। आप लोग राजस्थान पटवार और राजस्थान पुलिस के लिए 100% तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, जो कि एक टीम के रूप में आप लोगों के लिए कार्य कर रही है, जिसमें सभी टीचर्स के सभी कोर्सेस आप लोगों के लिए चल रहे हैं आरपीएससी कैटेगरी के अंदर, जिसमें आप लोग जो है वाईफाई आरपीएससी, ये जो कोड आप लोगों को दे रखा है, इस कोड का यूज कर 10% का डिस्काउंट के साथ साथ आप लोग इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं गाइस। अंतिम मौका आप लोगों के पास में बेहतरीन मौका है, क्योंकि अभी चीजें चैप्टर वाइज चल रही हैं और टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर ही मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं रीजनिंग की बात करूं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि अगर आप एसएससी एग्जाम के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथ के साथ, या आगे आप स्टेनो का एग्जाम देंगे या सीएचएसएल का एग्जाम देंगे, ठीक है, एसएससी जेई का एग्जाम देंगे, एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे, तो आपके लिए एक बेहतरीन क्लास जो है सुबह 7 से 8 मॉर्निंग के अंदर चल रही है, जो कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर चल रही है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी लोग इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रीजनिंग की एक और क्लास रेलवे एग्जाम कैटेगरी में भी डेली बेसिस पर चलती है 9 से 10:30, ठीक है, रात के समय। और मैथ्स की क्लास जो है, अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो रेलवे एग्जाम कैटेगरी के अंदर ही शाम को 4 से 5 जो है दोस्तों ये क्लास आप लोगों की चल रही है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं गाइस। ठीक है, चैनल आप लोगों के सामने है, रीजनिंग के लिए आप लोग चैनल यूज कर सकते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी t.me/wifi-study-deepak। और मैथ्स के लिए जो चैनल आप लोग यूज कर सकते हैं वो है t.me/math-by-deepak। ठीक है, t.me/math-by-deepak। ओके गाइस, चैनल ज्वाइन करेंगे तो ग्रुप तो ऑलरेडी आपको ज्वाइन करने को मिल ही जाएगा। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन ये लीजिए, और आपको छिपी हुई आकृति पहचाननी है कि ये छिपी हुई आकृति आपको कहां पर दिखाई दे रही है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है गाइस, आपकी स्क्रीन पर, और आप लोगों को बताना है फटाफट से कि ये फिगर आपको कहां पे दिखाई दे रहा है। ये लीजिए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, इस फिगर को देखना और बताना मुझे कहां पे दिखाई दे रहा है आपको ये फिगर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, ये फिगर मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। फटाफट से आप लोग कितने क्वेश्चंस कर सकते हो, आप लोगों को देखने, जल्दी से देखते जाओ और करते जाओ फटाफट से। ये देखिए, ये शेप मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। जल्दी से एक एक सेकंड के अंदर आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं, पर हालांकि इस वाली लाइन से तो मुझे मतलब नहीं था। चलिए इस फिगर को फाइंड करिए, कहां पर दिखाई दे रहा है आपको ये शेप। ये देखिए, ये फिगर यहां पे दिखाई दे रहा है पर उल्टा उल्टा रखा हुआ है। ये फिगर है तो वही, बस इसको उल्टा रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, जल्दी से करते जाइए फटाफट से, अब इसको देखकर बताइए कहां पे है ये शिफ्ट, ये फैक्ट कहां पर है, ये चीज कहां पर है भाई।
ये थोड़ा सा मुड़ रहा है, ये मुड़ नहीं रहा है, ये यहाँ पर, ये सीधा ये, ठीक है, और उसके बाद ये इधर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते जाइए फटाफट से, एक बार शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए गाइस। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि शेयर भी कर देंगे और आप लोग लाइक भी कर देंगे। मैंने भी शेयर कर दिया, आप लोग भी एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है गाइस। चलिए, हाँ जी भाई, ये शेप आपका कहां पर है जल्दी से देखिए, ये रहा आपका ये शेप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, कहाँ है ये शेप, ये रहा, चलिए इसको देखिए, ये देखिए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये, अगर ये संख्या अगर आपको छोटी लग रही है तो ये चीज आप इधर भी देख सकते हैं, देखिए बड़े बड़े लेवल पे ये रही, अगर बड़ा भाग चाहते हैं तो ये डी ऑप्शन में बड़ा भाग है, बिल्कुल सही है, ए नहीं होगा डी होगा, ठीक है, ए में बहुत छोटा भाग दे रखा था। चलिए नेक्स्ट फटाफट से बताएंगे, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ये रहा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, ये भी नहीं है, और चलिए देखिए इस फिगर को देखिएगा, ये साइड से बनेगा, ये देखिए, इसको यहां से देखना पड़ेगा, टेढ़ा टेढ़े एंगल से देखना पड़ेगा, टेढ़े एंगल से देखेंगे तब जाके ये शेप आपको दिखेगा, सी ऑप्शन करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए फटाफट से जल्दी से बताएंगे कहां पर आएगा ये वाला शेप आपको, ये शेप कहां पे दिखाई दे रहा है, ये लीजिए, ये रहा वो शेप, चलिए नेक्स्ट अगला शेप, चलिए
बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए कहां पर है ये वाला शेप, बताइए भाई। देखिए इधर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए ये शेप आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, जी ये रहा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जल्दी से आइए फटाफट से बताइए आप इसके अंदर बताएंगे भैया इस क्वेश्चन का ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ये शेप आपको कहां पे दिखाई दे रहा है जल्दी से देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चंस करेंगे आप लोग फटाफट से क्या है। सम कंप्यूटर आर बुक, सम मोबाइल आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर बुक, सम मोबाइल आर कंप्यूटर, फिर आगे लिखा हुआ है पूरे हो गए तभी तो दूसरे चेंज कर दिए भाई, फटाफट से करते जाओ क्वेश्चंस करने हैं ना, फटाफट से जल्दी से करते जाइए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ मोबाइल किताब है, मोबाइल बुक है, मोबाइल बुक है क्या, बिल्कुल देखो यहाँ पे मोबाइल बुक है क्या। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से सकारात्मक वाक्य से संबंधित नकारात्मक कंक्लूजन, नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होता है रॉन्ग होता है, तो आंसर क्या बनेगा बोथ रॉन्ग। जल्दी से करते जाओ फटाफट से अगला क्वेश्चन, आम अनार पपीता अमरूद क्या आएगा, आम में क्या होती है एक ही बीज होता है जबकि अनार पपीता और अमरूद में बहुत सारे बीज होते हैं अंदर सेंटर में। कागज किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है, तो डायमंड किससे बनता है, हीरा किससे बनता है जल्दी से बताओ, हीरा कार्बन से बनता है। शब्द कोश के क्रम में व्यवस्थित करिए ए डबल सी ए सी एच एस ए डबल सी यहां भी आ रहा है ए डबल सी ओ U और यहां पे आ रहा है E, तो E फिर उसके बाद में O उसके बाद में U और फिर H फिर दो और फिर तीन, तो एक चार पांच दो तीन, एक चार पांच दो तीन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा बताइए, 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, थीटा बराबर होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर, तो 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 30 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कट जाएगा 20 बार 11 दूनी 22 220 माइनस 300 ये आ गया 80 डिग्री। हाइड्रोकार्बन का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, हाइड्रोकार्बन का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, क्या नहीं बनाया जा सकता बताओ, वाई ओ यू आर नहीं बना सकते, यू नहीं आ रहा ना हाइड्रोकार्बन में, यू नहीं आ रहा देखिए,
चलिए नेक्स्ट, कौन से चिन्हों को परस्पर परिवर्तित करें कि ये इक्वेशन सही हो जाए। 77 × 11 − 32 + 46 + 23 करो, माइनस और डिवाइड, डिवाइड लगा दिया तो 32 आ जाएगा जो तो पॉसिबल नहीं है, डी ऑप्शन तो नहीं बनेगा। सी को चेक करते हैं एक बार, प्लस और माइनस को, 77 × 11 प्लस और माइनस को अगर चेंज करते हैं, ये डिवाइड है यहां पर तो भाग लगाओगे तो 32 − 2 प्लस ये बनेगा 847, तो 847 प्लस 30 कितना हो गया 877। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी रॉन्ग ए रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए भाई फटाफट से, इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग। आदर्श अपने घर से, ये घर है उसका होम है, और घर से 30 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20, फिर पुनः दाएं मुड़कर 60, फिर बाएं मुड़कर 50, तो उसके घर से किस दिशा में जा रहा है वो, ये कौन सी दिशा है? तो ऊपर तो होती है नॉर्थ, इधर होती है वेस्ट, और इधर होती है नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा। चलिए नेक्स्ट, ऑल हॉर्सेस आर रेसर्स, सम कैमल आर हॉर्सेस, सम कैमल आर हॉर्सेस ये लिखा हुआ है, सम रेसर्स आर कैमल, कुछ रेसर्स जो हैं वो कैमल हैं, सम रेसर्स आर कैमल तो बिल्कुल सही है, नो रेसर इज कैमल, कोई भी रेसर कैमल नहीं है तो बिल्कुल गलत, पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उससे रिलेटेड नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा ही रॉन्ग होगा, तो पहला वाला सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिए, 17, 26, 51 17, 26, 51, 100, 221 और आगे है क्वेश्चन मार्क। यहां पे बन रहा है +9 + 25 + 49 121, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो अगला हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 169। ये बनेगा 390, 390। ये बनेगा 390 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कीबोर्ड माउस प्रिंटर, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, प्रिंटर अलग है, तीनों अलग अलग है भाई, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, प्रिंटर अलग है ना, तीनों अलग अलग है। चलिए इस शेप को देखिए, ओपन करने के बाद कैसा दिखेगा, ये देखिए इधर
इसको यहां रख दिया हमने। कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्यू के लिए चेक करिए, मैट्रिक्स आपको चेक करनी है। व्यू ई के लिए चेक करिए, डब्ल्यू पीछे वाला डब्ल्यू आ रहा है तो डब्ल्यू पे देखो 87, 76, 68 और 31। तो 87 पे चेक करो कौन आ रहा है, 80 और ये 7। 87 पे तो जी आ रहा है यहां पे तो ये रॉन्ग। 76 पे चेक करो, 76 पे डब्ल्यू आ रहा है ठीक है। 68 पे चेक करो, 68 पे तो जी आ रहा है तो ये भी रॉन्ग। 68 पे जी आ रहा है तो ये भी रॉन्ग। 31 पे चेक कर लो, 31 पे डब्ल्यू आ रहा है क्या? 31 पे W नहीं आ रहा तो ये भी रॉन्ग। तो कौन सा आंसर हुआ? 76 इज द करेक्ट आंसर हो गया ना भाई। इस क्वेश्चन को तो आप लोग कर लेंगे। डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन से कौन सा प्रयोग करके एक बार बन सकता है? STA, STATI1 स्टेशन, ये बन सकता है। MWSE मूजी बन सकता है। TIMID टीम्ड भी बन सकता है। जब सारे ही बन सकते हैं तो फिर इसका मतलब सभी बन सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ए जो है पिता है किसका? बी का, किंतु बी ए का पुत्र नहीं। ए पिता है बी का लेकिन बी उसका बेटा नहीं है। अगर बी उसका बेटा नहीं है तो इसका मतलब बेटी होगी ना। बी अगर ए का बेटा नहीं है तो इसका मतलब वो बेटी होगी। सी डी की एकमात्र पुत्री है, ए सी का भाई है। अब ए जो है वो किसका भाई है? ए जो है वो सी का भाई है। सी डी की एकमात्र पुत्री है, सी जो है वो डी की एकमात्र पुत्री है। तो उसने बोला है कि डी बी से किस प्रकार से संबंधित है। अब डी बी का दादा भी हो सकता है, ग्रैंडफादर, यानी कि जिसको अपन नाना भी बोल सकते हैं या दादा बोल लो, ठीक है, क्योंकि ग्रैंडफादर बोलो, ग्रैंडफादर में दोनों आ जाएंगे, नाना भी आ जाएगा, दादा भी आ जाएगा, या फिर दादी भी आ जाएगा, क्योंकि जेंडर तो क्लियर ही नहीं ना डी का। डी का जेंडर क्लियर नहीं है तभी तो उसने एक ऑप्शन दे रखा है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते। ये देखिए यहां दे रखा है, यहां दे रखा है हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो दोस्तों मजा आया कि नहीं आया आपको सेशन के अंदर? फटाफट से जल्दी से बता दीजिए मस्त तरीके से, ठीक है। तो काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, सुनिएगा इधर ध्यान से, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो इसी तरीके से जीवन यापन करना है और बढ़िया तरीके से डेडिकेटेडली तैयारी करनी है डेली बेसिस पर, ठीक है ना। डेली बेसिस पर अपन को तैयारी करनी है इसी तरीके से बढ़िया शानदार तरीके से। और ये चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे सबसे पहले, और रात को मिलते हैं 9 से 10:30 वाली क्लास के अंदर जो कि अपनी होने वाली है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं शाम की क्लास के अंदर 9 से 10:30 रेलवे एग्जाम कैटेगरी के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आना जरूर, क्योंकि 4000 सीटें लिमिटेड सीटें हैं। इसके बाद में आप लोग चाहकर भी एनरोल नहीं कर पाओगे। अभी आपको फ्री में आपको एक क्लास मिल रही है तो आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।